इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना शहर के लोग इतने अच्छे हैं कि स्वागत, अभिनंदन और वंदन करने में चूकते नहीं। इतना स्वागत कर देते हैं कि स्वागत पाने वाला व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब बिना कुछ किए इतना स्वागत हो रहा है तो शायद कुछ करने के बाद कितना स्वागत होगा, और इतना स्वागत कोई भी आम आदमी पचा नहीं सकता। सतना शहर की यही कमजोरी है और शायद इसीलिए सतना शहर के तमाम लोग किसी भी जायज बात के लिए मुंह नहीं खोलते, जोर जुल्म सहना अपनी किस्मत समझते हैं। हाँ, स्वागत करने के मामले में सतना शहर के लोगों का कोई जवाब नहीं है। कोई कुछ करे तो स्वागत करेंगे, कोई कुछ न भी करे तो भी स्वागत करेंगे, बस उसे पद में बैठे होना चाहिए। अगर सतना शहर का इतिहास देखा जाए तो आपको यही मिलेगा कि किसी भी अकर्मण्य नेता का भी सतना शहर के लोग इतना स्वागत कर देते हैं कि वह नेता आत्ममुग्ध हो जाता है। अगर आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक का इतिहास उठाकर देखा जाए तो सतना के विकास में किसी नेता की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही है। सतना शहर के व्यवसायियों ने ही जैसे जैसे अपना व्यापार बढ़ाया वैसे वैसे सतना शहर का विकास होता गया। यह अलग बात है कि कोई भी नेता अपने गले में तख्ती टांग कर घूमने लगे कि नहीं हमने विकास किया है, तो सच्चाई ठीक इसके उल्टी है। सतना शहर के लोग कहीं लड्डुओं से तौलने लगेंगे, कहीं फूलों से तौलने लगेंगे। मैं किसी भी व्यक्ति के स्वागत सत्कार का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि जिस स्तर पर स्वागत सत्कार हो रहा है उससे और बड़े स्तर पर स्वागत सत्कार किया जाए, लेकिन स्वागत सत्कार उसका किया जाए जो काम करता है, अकर्मण्य लोगों का नहीं। अब आप देखिए, अभी चैम्बर की नई कार्यकारिणी आई है, इसके पहले जो कार्यकारिणी थी उसका भी इस शहर में पर्याप्त विरोध हुआ, लेकिन जब ये लोग भी चुनकर आए थे तो इनका भी उसी तरीके से स्वागत हुआ था। स्वागत करने वाले महान हैं। स्वागत करने वालों के मन में भी कभी इस तरीके का सवाल नहीं पैदा हुआ कि आखिरकार हम स्वागत किस बात का कर रहे हैं, ऐसी कौन सी योग्यता या ऐसी कौन सी क्षमता या ऐसा कौन सा काम कर दिया है चैम्बर के लोगों ने जिसके लिए इनका स्वागत किया जा रहा है। कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि अभी स्वागत मत करिए, जब कुछ व्यापारियों के हित में हम काम करेंगे तब आप हमारा स्वागत करिएगा तो अच्छा लगेगा। प्रायः देखने में आता है कि जिसका भी थोड़ी सा नाम हुआ वह स्वागत कराने के लिए 24 घंटा तैयार बैठा रहता है। विशाल खबर बिंद चैम्बर आप कॉमर्स के उन पदाधिकारियों से पूछना चाहता है जो निर्वाचित हुए हैं कि आखिरकार वह शहर के व्यापारियों से किस बात का स्वागत करवा रहे हैं, ऐसा कौन सा तीर मार दिया है जिसके चलते इनका स्वागत किया जाना चाहिए, व्यापारियों के हित में कुछ बड़ा काम करके बताइएगा तो विशाल खबर भी आपका स्वागत करेगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।